ये हमारे भैया भाई जो कि बहुत ही प्यारे हैं और बहुत शर्मीले से भी हैं, ये लगाते हैं वड़ा पाव। देखियो मामा साथ मेरे होंठ जला दिए भाई ने। बोर्ड पर पांव रख के बैठना मना है भाई। अबे कौन बैठता है तुम लोगों में से? ये है 5,000 रुपया और इस 5,000 से हम 5-star होटल पर खाना खाएंगे और इतना खाना खाएंगे जितना खाना खाया जा सकता है। फिर भी इन दो पापी पेटों से कितना खाना खाया जा सकता है? और भाई इस 5-star होटल की जो सबसे खास बात है, यहाँ पर आपको इंडियन स्ट्रीट फूड भी खाने को और देखने को मिलेगा भाई। ये वहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे तुम्हें पाकिस्तानी डिशेज के साथ साथ इंडियन डिशेज भी मिलेंगी, जिनमें वड़ा पाव की तो मैं कहता हूँ मिसाल ही कुछ और, साथ पानी पूरी भी मिलेगी। इसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए हम भाई मसाला हाउस बॉलीवुड के अंदर जाने वाले हैं। भाई एड्रेस चेक करो, गेट भी खुलता है तुम लोगों के लिए। तो पहले लास्ट टाइम किसने हमारे लिए ऐसे गेट खोला होगा? यहाँ लास्ट टाइम मैं ताजमहल गया था भाई, उसने मेरे लिए इस तरह गेट खोला था भाई। सीन्स सीन्स हैवी वाले सीन्स चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? तबीयत से ठीक है भाई? सामने वॉशरूम देख के आते हैं इसके। यार मैंने आज तक मैंने आज तक 5-star के वॉशरूम नहीं देखा। मैंने सुना है कि बड़े लग्जरी किस्म के हैं, कि हम तू सो भी सकते हैं उसके अंदर। जेन्युइन वाकई में ऐसा होता है? हां पहले आज देखें फिर। हां अभी वॉशरूम देखने चलाओ। चलो ये किसका बच्चा गुम है? ये है भाई 5-star होटल के वॉशरूम। अच्छा ये तुम लोगों को यहां पे मिलेगा, ठीक है? हाँ भी सफाई कैसी ठीक है? हाँ तू धोने के है का तू? हाँ भाई बिल्कुल है। चल जा मैंने खा भी क्या कुछ। अच्छा ठीक है। ये है भाई इनके हगने पूतने की जगह। पिटे वो बच्चे। कमोड पर पांव रख के बैठना मना है भाई। अबे कौन बैठता है तुम लोगों में से? अच्छा भाई ये 5-star का आपको भाई अंदर वाला इंटरेस्ट वगैरह दिखाओ यार। भाई क्या कर रहे हो, इतना लग्जरी किस्म का बना हुआ है यार। अरे कैसा है भी सीन है ना, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे नहीं जाना। क्यों? हम लोगों ने ऊपर जाना है। ये हमारी लोकेशन आ रही है भाई, जहाँ पे हम लोगों ने आज पाकिस्तान और इंडियन डिशेज को एक्सप्लोर करना है और चेक करना है। भाई 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 अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं यार? यहाँ पर जो सबसे अमेजिंग बात है कि यहाँ पर कवाली भाई हर टाइम चलती रहती है, यानी कि बफे का टाइम चलती रहती है। क्या करें भाई, भाई ये चेक। और इस सबसे जो यूनिकनेस है ना इधर भाई, गोलगप्पे लगे हैं और साथ में ये पानी पानी लगा है भाई। इंडिया की सबसे जो जबरदस्त डिश है वो है भाई वो पानी पूरी। ये चेक करो भाई पानी पूरी है, साथ में भाई सॉसेज वगैरह भी इसके अंदर सारा कुछ रखा हुआ है भाई। भाई ये बहुत हैवी इन्होंने किया हुआ है, बहुत हैवी। यकीन करो भाई मुंह में पानी बेतहाशा आ रहा है, मुंह में पानी गिर रहा है, मतलब इतनी ज्यादा क्रेजनेस आ रही है यार। और इंडिया के किसी भी इलाके से पानी पूरी खाई जाने वाले भाई हैं तो भाई खाने वाले भाई हैं तो लाजमी पानी पूरी को आपने रिवील करना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि भाई कितने की पानी पूरी आपकी उधर से मिल रही है। और फैसलाबाद वालों छोड़ना ना ये स्पोर्ट, लाजमी आना है यहाँ पे भाई। प्लम सॉस इसको बोलते हैं, ये आपको प्लम सॉस कहते हैं इसको, ठीक है? ये है टार्टर सॉस, टार्टर सॉस है ये हमारी। बस देख ले मुझे, मैं बस अभी अभी देख लिए ना आप भाई। ये भी लग गया, उसके बाद रह गया क्या मसाला? भाई 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 एक मिनट जुबैर, ये स्पेशल तेरे लिए, सामने आने दे उनको। ये स्पेशल तेरे लिए, एक मिनट बस वाइंड अप हो गया। ये स्पेशल तेरे लिए, वो तेरी ऐसी की तैसी। एक मिनट ये चैलेंज है तेरे, ये गाना है वो भाई इतना डाल रहा है, क्या कर रहा है ये खाएगा तू? उनको लेने दे पीछे। उसके बाद ये भी आ गया भाई, उसके बाद लास्ट पे डालो तुम खटा, लास्ट पे खटा डालो। ओ भाई क्या करने वाला है? हाय 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 हाय, ये जुबैर का सबसे हैवी वाला। जुबैर साहब आ जाओ, वो इतनी सुरख मिर्ची डाल दी है तेरा दिमाग। मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं तुझे खुद खिलाऊंगा, ये चेक। ओ भाई मैं नहीं खाने वाला, जेन्युइन बात है मैं नहीं खाने वाला, इतनी ज्यादा सुरख मिर्ची डाल दी है यार तूने। ये मैं खिलाने वाला हूं, इधर आ जल्दी जल्दी।
गया। इतनी ज्यादा मिर्ची डाल दी यार, पागल हो गया तू यार। मजा आया तुझे? मेरी बात सर, ये निहारी के लिए हमने स्पेशल ड्रेस बनाया। अच्छा अच्छा, ये निहारी के लिए स्पेशल ड्रेस है पाकिस्तान के अंदर। जी जी सर। अच्छा, क्या खिलाने वाले हैं आज भाई वहां को? मिक्स टकाटक है सर हमारे पास, चिकन कीमा है। मिक्स टकाटक सर? मिक्स टकाटक। टकाटक क्या होते हैं यार? इसमें सर गुर्दे, पूरे चांप, दिल, ब्रेन होता है। तुम लोगों ने लोकल स्ट्रीट्स के ऊपर तो बहुत देखा होगा कि वड़ा पाव बन रहा है, आज हम तुम लोगों को दिखाएंगे 5-star होटल में वड़ा पाव कैसे बनता है। तो ये हमारे भैया भाई जो की बहुत ही प्यारे हैं और बहुत शर्मीले से भी हैं, ये लगाते हैं वड़ा पाव। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होने वाली सर? सर हम लगाएंगे आलू वाली टिक्की लगाएंगे। क्या बात है, आलू वाली टिक्की। उसके बाद हम मिर्ची लगाएंगे, उसके बाद इसमें मसाला लगाएंगे, उसके बाद इसमें सॉस डालेंगे। यानी कि आप बता सकते हो कि इंडिया के लोग अगर पाकिस्तान से आगे खाएंगे तो आपके वड़ा पाव का मुकाबला होगा? इंशाल्लाह होगा। चले भाई लगा के दिखाएं और क्या क्या चीजें। ये छोटा सा एक बंद है और साथ में ऊपर आलू की टिक्की है, इसके अलावा चिकन वगैरह भी रखा हुआ है, वो किस लिए रखा हुआ है? वो चिकन है शवारमे का सर। अच्छा, शवारमे का चिकन है, गुड हो गया यार। आलू की टिक्की के अंदर सिर्फ आलू की टिक्की है या इसके अंदर कुछ चिकन के पीसी स्लाइसेस वगैरह डाले? सारे केले ही आलू की टिक्की है इसके। ठीक है, बता दे बस अभी ना चलने दे वीडियो को, शॉर्ट शॉर्ट ही मेकिंग होने दो बस। ओ भाई, आज मैं वैसे भी लाइफ में पहली दफा वड़ा पाव खाने वाला हूँ भाई 5-star होटल से। ओ भाई, इतनी मिर्ची है, क्या कर रहे हो? सर ये वड़ा पाव है ना। अच्छा, ये मसाला है इसका सर, इंडियन वाला, इंडिया इंडियन मसाला। इस मसाले का कोई नाम, कोई सीक्रेट है कि क्या नाम है इसका? यही है बस, इसका वड़ा पाव का मसाला। अच्छा अच्छा, ओए भाई, मिर्चें कहाँ पे देने वाली हूँ? बड़ा पाव में सर। करो यार, ये इसके अंदर। मुझे तो लगा शायद जहाँ मैंने सोचा वहाँ देने लगे। तो भाई ये मिर्ची इसके अंदर डालने वाले हो? जी जी सर। साल कहीं गलत तो नहीं लगा रही, ये मिर्ची तो डलती नहीं है इसके अंदर? नहीं, ये डलती। पक्की बात है? देख लो यार, ये मिर्ची तो मेरा ख्याल जलाने वाली है। रेड मिर्ची भी जलनी है इसके ऊपर। ओ भाई रहने दे यार, रेड मिर्ची। जुबैर तू ही गाएगा, मेरा भाई जुबैर। मैं तो मिर्च देख के भाई, मेरे से अंदर मिर्ची निकलने लगी है अभी। मैं इसे, इस हरामी ने मुझे आगे गोलगप्पे खिला दिए जो कि बड़े तेज है। ना करें, ये वड़ा पाव तैयार हो गया? जी सर। इतना सा वड़ा पाव? इतना सा सर। तो यार इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा वायरल है ये वड़ा पाव। इतना ही है सर। इसके अंदर कोई सॉसेज वगैरह और ऐड नहीं है? नहीं सर। अभी इसको मैं खा लूं? खा लूं सर। पक्की बात है? जी जी। चले अपने हाथ से खिला दे फिर मुझे। जुबैर, भैंस की तुम दूर से नजर नहीं आता और इतना इसने रोला डाला हुआ बड़े पाव। ये ले सर। हाँ, साथ मेरे होंठ जला दिए भाई ने। जहाँ पे मिर्च नहीं है वो बाइट मुझे भी एक दे जरा यार। वैसे ना, कहाँ से आए हैं आप? आजाद कश्मीर से। आजाद कश्मीर से हैं यार। कश्मीर तो वैसे लोगों के दिलों की धड़कन है और भाई हमारे पास मौजूद है इस वक्त। क्या क्या चीजें दे रहे हैं भाई इधर? दे रहे हैं हलवा पूरी, दे रहे हैं। अपनी दुकान बड़ी सेपरेट करके लगाई है, क्या वजह? नाराजगी है सभी से? नहीं नहीं, हमारा तो सेक्शन बना हुआ है ना। सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। क्या क्या चीजें दे रहे हैं आप इधर? मैं भटूरा दे रहे हैं, पूड़ी दे रहे हैं। अच्छा, रोनी नान दे रहे हैं। अच्छा, क्या क्या दे रहे हो भाई लगा? यहाँ पे बारबेक्यू विंग्स हैं, तुर्कश चिकन कबाब है। बारबेक्यू विंग्स, तुर्कश चिकन कबाब है, ठीक है भाई। हुए 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 हुए, स्वाद गरम है, गरम गरम। ओहो लग्जरी भाई, एंड कर दिया एंड भाई ने। वेजियो मामा, वेजियो मामा। तो भाई लोग, सीन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे तुम लोगों को मिलते हैं 50+ डिशेज। हम लोगों ने क्योंकि सारी डिशेज का टेस्ट करना था तो हम लोगों ने थोड़ी 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 करके सारी चीजें ऐड ऑन कर ली हैं, जिसमें हमारे पास वेज भी है और नॉन वेज भी है। बिल्कुल। तो भाई जो सबसे इसमें यूनिक है ना, यूनिकनेस है इसके अंदर भाई, एक टकाटक भी मौजूद है साथ में निहारी, और साथ में ही हमने टकाटक डलवा ली है साथ। इंडियन सबसे मजेदार डिश ये है
भुजिया इसको बोलते हैं भुजिया, जो कि तुम लोगों को बहुत शौक से वहाँ पे खाई जाती है। और ये साथ में नल्ली निहारी के भी मजे लेने हैं तुम लोगों ने। नल्ली निहारी हम लोगों ने ऐड ऑन करवा ली है इसमें, तो सबसे पहले भाई टेस्ट करके बताएगा जुबैर आप। सबसे पहले भुजिया का टेस्ट करेगा अजाज। भुजिया इसके साथ नहीं करते और भाई उसके बाद ये टेस्ट करेगा टकाटक। ज्यादा लगा कट्टा ही टेस्ट आ गया। अभी मैं जो ट्राई करने वाला हूँ ना, मैं भाई ये ट्राई करूंगा निहारी। एक मिनट भाई ये चक्रिए अब तूने बताना है कि तूने जितनी चीजें खाई हैं इनका टेस्ट कैसा तुझे लगा। अब बस आपसे बताने वाला है कि टेस्ट इसका कैसे लगा आपको। हाँ भाई बता। और भाई कैसे लगा टेस्ट? हेलो, तुझे भाई खाना खिलाया ताकतवर में आया। कसम यहाँ पे पब्लिक ना देख रही ना इस यहाँ पे घुमा हुआ माता। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया। क्या कहने जनाब। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करना कि आपको भाई साहब की कव्वाली कैसी लगी और आज की वीडियो कैसी आपको लगी है। तो आज का व्लॉग मेरे ख्याल से यहाँ पे ही हम एंड करते हैं जुबैर साहब। इसी के साथ हमारी आज की 5 स्टार के ऊपर बड़ा पाव और डिशेज ट्राई करने वाला व्लॉग भी एंड होता है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।